बुरहानपुर जिले में आरटीओ और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की लापरवाही के चलते घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडरों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे सरकार को तो चूना लग ही रहा है लेकिन यात्रियों की जान से भी खिलवाड़ हो रहा है। बुरहानपुर जिले में गैस रिफिलिंग पंप नहीं होने के बावजूद वाहनों में गैस किट लगाकर घरेलू कुकिंग गैस से वाहन चलाए जा रहे हैं, सब कुछ जानते हुए संबंधित विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। सड़कों पर दौड़ने वाला हर तीसरा ऑटो रिक्शा गैस से चल रहा है, जिससे यह बात तो साफ होती है कि जिले में चल रहे इन वाहनों में घरेलू गैस का उपयोग किया जा रहा है। हमारे संवाददाता नौशाद नूर ने इस मामले में आरटीओ से चर्चा की तो उन्होंने जांच पश्चात कार्यवाही करने की बात कही, जबकि नियमानुसार घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करना गैर कानूनी है। जिले के ढाबों, हलवाई, चाय दुकान, होटलों, मैरिज पैलेसों, वाहनों में इसका थिदलने से उपयोग किया जाना संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की ईमानदारी पर संदेह पैदा कर रहे हैं। जब मामला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को बताया तो उन्होंने शीघ्र कार्यवाही करने की बात कही। अब विभागीय कार्यवाही में वाहन चालक और होटल व्यवसायी तो निशाने पर रहेंगे, लेकिन इन्हें गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले हमेशा की तरह साफ बच निकलेंगे, जबकि यह बात जग जाहिर है कि इन्हें यह गैस सिलेंडर की सप्लाई गैस एजेंसियों से ही होती है, जिसने खिलाफ कार्यवाही की जाना अत्यावश्यक है। ऐसी बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।